डियर स्टूडेंट्स, बेसिक पार्ट टू सब्जेक्ट जियोलॉजी पेपर फर्स्ट। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्डमानियम, ओनली वन लेवल डायग्राम, यानी बाह्य आकार की हार्डमानिया का है। इसका लेवल डायग्राम है, ये राइट साइड डॉर्सल है, लेफ्ट साइड एंटीरियर है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचल अपर्चर, शाखा रही एंट्रियल साइफन है, बीचों बीच है। इसके बॉडी प्रॉपर से है, ये पोस्टीरियर सिंड है, पार्टिकल्स है, दानेदार इसको बोला जाता है। इसके पैर है फूट, ये वेंट्रल साइड। ठीक, डायग्राम के नीचे हम लिखेंगे द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्डमानिया। क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओरिएंटेशन। ठीक, यानी किसी वस्तु विशेष पर उस पर ध्यान केंद्रित करना। तो कहा जाए ओरिएंटेशन में यानी हार्डमानिया की, द टू फ्लैट सरफेसेस रिप्रेजेंट द राइट एंड लेफ्ट साइड द बॉडी ऑफ हार्डमानिया सो ए डिफिनिट ओरिएंटेशन। क्लियर। द इंटीरियर एंड ऑफ बॉडी इज रिप्रेजेंट बाय ब्रांचल अपर्चर बेनिल डॉर्सल एंड represent the posterior and ventral ends. This unusual orientation is covered by rotatory movement of larva. ठीक, कहा जाए orientation है, यानी यह two flat, यानी right and lateral side को यह represent करता है। Clear? Hardmania की body एक definite ओरिएंटेशन को शो करता है। इसके एंटीरियर एंड का बॉडी, इसके एंटीरियर एंड का बॉडी एक ब्रांचिंग अपर्चर को रिप्रेजेंट करता है, तथा इसका डॉर्सल एट्रियल अपर्चर से के थ्रू या डी अटैच्ड होता है। ठीक, इसके अपोजिट साइड इसके अपोजिट साइड्स पोस्टेरियर्स एंड वेंट्रल एंड्स को एक क्या करता है, मेंशन करता है। क्लियर, यहां तक हमने इसके डायग्राम के बारे में हमने आपको बता दिया। क्लियर, ठीक। अभी हमने बताया आप लोगों को डायग्राम, फिर ओरिएंटेशन, फिर इसके बाद से जो है हम हेडिंग पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूनिक, यानी कहा जाए बाह्य आवरण या खोल, या कहा जाए किसी के शरीर के किसी अंग की डॉक्टरी जांच। तो टेस्ट ट्यूनिक द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द बॉडी ऑफ हार्डमानिया इज कॉल्ड एज टेस्ट। इट एक्ट एज एन एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन एंड ए रिसेप्टर ऑर्गन। इट इज सॉफ्ट फॉर 4 to 8 mm thick and leathery, is consist of tunicine, its entire food consist of taste only. Clear? यानी जो इसका जो डिफिनेशन है, कहेंगे हम टेस्ट ट्यूनिक में यह बाह्य आवरण या खोल शरीर के चारों तरफ घेरने वाला चर्म जैसा चमकदार लिसलिसा एक खोल होता है, जो ट्यूनिसिन नामक सेलेस्मस पॉलीसेक्राइड से बना होता है। क्लियर, यह एक सहायक हेल्पफुल रिस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग के जैसा यह कार्य करता है, और यह लगभग 4 से 8 मिलीमीटर मोटा होता है। क्लियर, ठीक स्टूडेंट्स,
अब आप हेडिंग देंगे कंपोनेंट ऑफ टेस्ट। हेडिंग क्या देंगे आप? कंपोनेंट ऑफ टेस्ट। क्लियर? तो आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, टेस्ट यूनिट लिखिए, द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द बॉडी ऑफ हार्मोनियम इज कॉल्ड एज टेस्ट फुल स्टॉप। इट एक्ट एज एन एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन एंड ए रिसेप्टर ऑर्गन फुल स्टॉप। इट इज सॉफ्ट फॉर 4 to 8 mL थिक एंड लेदरी। इट कंसिस्ट ऑफ टेस्ट ओनली। क्लियर? आप क्या करें, कॉपी में इसको लिख लेंगे। अब हम हेडिंग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ टेस्ट, यानी इसके घटक, यानी आवरण ये खोल के क्या करेंगे, घटक के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक? द कंपोनेंट ऑफ टेस्ट दिया है फॉलो। ठीक? इसके घटक हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको निरूपित कर सकते हैं। क्लियर? तो कंपोनेंट ऑफ टेस्ट में पहला पॉइंट है मैट्रिक्स, सेकंड कॉर्पसेल्स, थर्ड इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स, फोर स्पिक्यूल्स, फाइव ब्लड वेसल्स। क्लियर? स्टूडेंट्स हम रिवाइज करते रहे हैं, आप इसको आप नोट कर लो। हमने डायग्राम बताया टेस्ट ट्यूनिंग, डायग्राम के बाद से ओरिएंटेशन, टेस्ट ट्यूनिंग्स कंपोनेंट ऑफ टेस्ट ट्यूनिंग के बारे में हमने क्या किया, मेंशन किया। क्लियर? देन इसके बाद डायग्राम है कंपोनेंट ऑफ टेस्ट का। नेक्स्ट डे आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।